नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आर्थिक रूप से गरीब लोगों को नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा 10% आरक्षण। लोकसभा में 124वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी। विपक्षी दलों ने भी किया बिल का समर्थन। लोकसभा से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा असम में एनआरसी पर नहीं पड़ेगा असर। कांग्रेस टीएमसी सांसदों ने विरोध में सदन से किया वॉकआउट। अवैध खनन मामले में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज भी नहीं चलने दी संसद। अधूरे विधायी कामकाज को पूरा करने के लिए एक दिन बढ़ाई गई कार्यवाही। अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। 10 जनवरी को सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच गठित। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को दी गई है चुनौती। और रायसीना डायलॉग में अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा शुरू। सतत विकास के वैश्विक लक्ष्य हासिल करने के लिए नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने भारत का साथ बताया जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में ओशन डायलॉग शुरू करने पर बनी सहमति। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसे चर्चा और पारित कराने का प्रस्ताव रखा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि असम में एनआरसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विधेयक पर कई सांसदों ने अपनी राय व्यक्त की। सांसदों ने विधेयक के पास होने से असम समेत कई राज्यों को होने वाले फायदों को गिनाया, जबकि कुछ सांसदों ने विधेयक में कुछ बदलाव करने के सुझाव दिए। कांग्रेस टीएमसी सांसदों ने इसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया। आज भी यदि कोई गलत फहमी है असम के रहने वाले लोगों के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोगों के अंदर, मैं कहना चाहता हूं कि हम उनसे बात करने के लिए, खुले तौर पर बात करने के लिए अध्यक्ष महोदय पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी बात को हम सुनेंगे, उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगी उनका हम समाधान भी निकालेंगे। इसलिए हमने न केवल एनआरसी की प्रक्रिया को उसके अंजाम तक ले जाने का काम किया, बल्कि असम अकॉर्ड के क्लास 6 को लागू करने के लिए भी हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी से हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। और जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे ताकि असम की कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी सुरक्षित रह सके और असम का बर्डन पूरे देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। टू रिलीजियस परसिक्यूशन शुड बी अकोमोडेटेड सिंस वी आर ए सेक्युलर, व्हाई मेंशन हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स and Parsis. Why mention that? Make the bill a secular bill. आज के कोटि कोटि मानुष सारा भारतवर्ष से ए हिंदू होक, सिख होक, पारसी होक, जैनी होक, क्रिश्चियन होक, बुद्धिस्ट होक, तारा जे भावे प्रताड़ित हुए ऐसे छे, तारा यही अपेक्षा आछे जे तारा जाते तादेर अधिकारटा पाए। আর এই গানটা উচ্চকণ্ঠে গাইতে পারে, এই গানটার মূল ধারাটা উচ্চকণ্ঠে গাইতে পারে, গর্বে গাইতে পারে। ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দিস বিল ইউ আর ব্রিঙ্গিং ইন দ্য রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি। দ্য ইমিডিয়েট কনটেক্সট অফ দ্য মুভ টু অ্যামেন্ড দ্য সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট, হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ দ্য কন্টিজেন্সি ইন আসাম ওয়ার নিয়ারলি 30 lakh পিপল ফেস এক্সক্লুশন from the National Register of Citizenship. With this proposed amendment, it will be easy for the Bengali Hindus among them to acquire citizenship. विधेयक से असम के लोगों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। बराक घाटी में जनजातीय समुदाय अब अल्पसंख्यक हो गए हैं।
मुस्लिम बांग्लादेश से आ रहे ऊपरी आसाम में बहुत से जिले ऐसे हैं जहां असम के लोग अल्पसंख्यक हैं। सरकार को असम को सजातीय समूह की मदद करनी चाहिए, असमिस के नाम पर, बंगाल में ये बंगाली के नाम पर, जो इस मुल्क ऑलरेडी हिंदू मुसलमान के नाम पर बटा है, जात पात के नाम पर बटा है, फिर भाषा के नाम पर आप अगर इसको उग्र जो राष्ट्रीयता है वो बनाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा। और पिछले 6 महीने में यही हुआ है और हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि नागरिकता आप जब देंगे तो आप धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलरिज्म के आधार पर है। आसाम में जो हालात चल रहे हैं उनको टेलीविज़न में बैठ के पूरे हिंदुस्तान के लोग देखें कि वहाँ के आसाम के लोग इस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं। आसाम के लोग इन चीज़ों को जो हो रहा है इसको अपने हित के खिलाफ समझ रहे हैं। अभी असम में जो 40 लाख बाहर के लोग हैं जिसका नाम अभी भी NRC में घुसा है, वो लोगों को भी अगर फुल सिटीजनशिप पावर दे दिया गया उन लोग का भी भारत की कोई प्रदेश में लाने की कोशिश की क्योंकि कीजिए, क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट उन लोग का लेगा नहीं। अगर कुछ अच्छा बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ कुछ समझौता हो जाए तब तो हो सकते हैं। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार 10% आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है। इसके लिए आज लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसे विचार और पारित करने के लिए पेश करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि इससे सभी धर्मों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फायदा मिलेगा। जिस जिस धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और SC ST OBC की आरक्षण प्रणाली से बाहर हैं, वो सब लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, पहले इस प्रकार के जब प्रयास हुए तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन निर्णयों को निरस्त कर दिया। वो केवल इसलिए कर दिया था कि संविधान में प्रावधान नहीं होने के बाद भी इस प्रकार के प्रयास किए गए थे जो सफल नहीं हुए। हमने सोच समझ करके संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में इस प्रकार के प्रावधान करने का काम करने का निर्णय लिया है जो इस सदन के द्वारा पारित होगा। उसके बाद ये अधिनियम बनेगा और फिर ये प्रावधान लागू होंगे। बहस में हिस्सा लेते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा और बिल की वैधता को लेकर जो आशंका उठाई जा रही है वो निराधार है। और जो 50% की सीमा लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि वो सीमा केवल आर्टिकल 16(4) में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था उसके संबंध में लगाई। वो जो सीमा थी, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो, और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, मैं चाहूंगा पैराग्राफ 806 से लेकर 812 तक कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी कि हम जो सीमा लगा रहे हैं 50% की, यह केवल 16(4) की जो एजुकेशनल और सोशल जो बैकवर्डनेस की रिजर्वेशन है उसके ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक वाक्य पढ़ दूं जो इस सारी चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा, वी आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट द रूल ऑफ 50% अप्लाइज only to reservations in favor of backward classes made under article 16(4). सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। और वहीं दूसरे दलों के सांसदों ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। Include most of the communities in northern belt also which are demanding to include OBC. Don't deny that chance for them. Don't allow the agitation, really so many economic problems, but for that economic problem, you are facing that. That you first make that, then you come for this. And also increase the ceiling from 50 to 69, which we are demanding. Demographic composition varies from state to state. At the same time, our party accepts that reservations on the basis of economic backwardness can be the union government's prerogative.
because economic exploitation recognizes no regional body, sir. ऊंची जाति में से भी जो लोग थे वो काफी गरीब हो गए हैं, और जब गरीब हो गए हैं तो आज स्कूल का जब जो इन्होंने कहा, ठीक कहा कि एक समान अवसर होना चाहिए, हम इक्वल एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं. वंस वन इज आइडेंटिफाइड इन अ कास्ट लाइन, इज आइडेंटिफाइड इन द कास्ट लाइन बिकॉज ही डजंट चेंज हिज कास्ट, ही कैनॉट चेंज हिज कास्ट, बट इन इकोनॉमिक क्राइटेरिया दिस नीड्स एडिक्वेट refurbation every 10 years, that is not there in the bill. How you are going to identify, how you are going to delete, it doesn't happen. केंद्र सरकार में 24 लाख अध्यक्ष जी पोस्ट वैकेंट हैं. हम चाहते हैं कि जो पोस्ट वैकेंट हैं उस पोस्टों में जो बैकलॉग की भर्ती बनती है सबसे पहले वो बैकलॉग की भर्ती कर दो. इसलिए आज इस मौके पर अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, बहुत बातें की गई ओबीसी कमीशन की, इस मंच की सदन के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, ओबीसी कमीशन का विधेयक हम लोगों ने पारित जरूर किया, लेकिन अध्यक्ष जी इतने दिनों में भी ओबीसी कमीशन आज तक गठित नहीं हो पाया है. आरक्षण की नई व्यवस्था के लिए संसद में संविधान संशोधन बिल के जरिए अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव करना होगा. सरकार के इस फैसले से सामान्य वर्ग के गरीब तबके को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का फायदा मिलेगा. और लोकसभा में डीएनए प्रौद्योगिकी से जुड़ा बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक 2018 के माध्यम से अपराध को रोकने के साथ साथ कई सिविल मामलों में भी मदद करेगा. इस बिल में अपराधी, संदिग्ध, विचाराधीन, लापता और अज्ञात मृत व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग और लागू होने के विनियमन का प्रावधान है. हर्षवर्धन ने कहा कि डीएनए टेस्टिंग लैब और डीएनए डेटा बैंक को नियमित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसे लाया गया है. इस बिल के बारे में प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा प्रोटेक्शन इश्यूज को बहुत माइन्यूटली इसके अंदर एंश्योर किया गया है कि ये सारे के सारे इश्यूज जो है इसमें दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ वेरी मेटिकुलसली एंड वेरी थॉरली. और इसी तरह से जो प्रोफाइल्स हैं इसको भी एंश्योर किया गया, दे शैल बी स्टोर्ड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट विद एक्सेप्शन फ्रॉम ऑफेंडर्स एंड सस्पेक्ट्स. डीएनए प्रोफाइल्स शैल बी स्टोर्ड विच आर स्टोर्ड आर नॉट फॉर एंटायर पॉपुलेशन. राज्यसभा में आज गतिरोध की वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल बाधित रहा. सभापति के बार बार आग्रह के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा. सभापति वेंकैया नायडू ने सदस्यों से बार बार सदन चलने देने की अपील की. गतिरोध जारी रहने पर आखिरकार सभापति को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. माननीय सभापति जी, सदन में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र सभापटल पर रखे जाने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए अवरोध पैदा किया. सभापति ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने में सहयोग की अपील की. सभापति ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए दिए गए नोटिस को उचित नियमों के तहत स्वीकार किए जाने की बात कही. Honorable members, certain members have given a notice that I have not admitted them under 267. I will take it up if you give notice under normal rules and procedure. सदन में लगातार गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई. House is adjourned to meet at 2 p.m. माननीय उपसभापति जी, दोपहर बाद कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में गतिरोध जारी रहा और कई बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई. पूरा देश देख रहा है, कम से कम आज तो काम होने दे, ये अत्यंत जरूरी और अनिवार्य है. आखिर में उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी. द हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न्ड टिल 11 आवर्स ऑन वेडनेस डे 9 जनवरी 2019. कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी. सरकार ने आज राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी है. सरकार की कोशिश नागरिकता संशोधन और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को
10% आरक्षण से जुड़े बिल को पारित करवाने की है, लेकिन विपक्ष ने बिना सहमति कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ाने का तीखा विरोध किया है। वहीं सरकार ने यह कहा है कि ये नियम का कोई उल्लंघन नहीं है और सरकार के पास पारित करवाने का बड़ा एजेंडा है। नॉर्वे और भारत के बीच राजनीतिक और व्यापारिक संबंध को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच आज हुई शिखर वार्ता के दौरान आर्थिक, तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत नॉर्वे ओशन डायलॉग शुरू करने को लेकर सहमति बनी, जिसके लिए दोनों देशों के बीच समझौता किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश का अहम महत्व है। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने और द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग के साथ मंगलवार को दिल्ली में शिखर वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और सहयोग के क्षेत्रों की समीक्षा की गई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नॉर्वे के विकास के लक्ष्य भारत से पूरी तरह मेल खाते हैं और दोनों देश मिलकर इन्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पोर्टफोलियो निवेश और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों में नॉर्वे की कंपनियां भारत की अपार संभावनाओं से लाभ उठाएगी। विशेष रूप से सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में शिप बिल्डिंग, पोर्ट्स और पोर्टलेट डेवलपमेंट में नॉर्वे की कंपनियां के लिए बहुत अवसर बन रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान भारत और नॉर्वे के बीच समुद्री अर्थव्यवस्था के मसले पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत और नॉर्वे का आपसी सहयोग बहुत मजबूत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था और आतंकवाद जैसे मसलों पर भी भारत और नॉर्वे के बीच परस्पर सहयोग है। इस मौके पर नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्वे के बीच ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत को साथ लिए बिना दुनिया के अन्य देश सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। ओशन इकोनॉमी के विषय पर नॉर्वे की महारत का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि नॉर्वे के निर्यात में 70% हिस्सा नॉर्वे की सामुद्रिक इंडस्ट्री का है और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि आज हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग का एक नया आयाम हमारे संबंधों में जोड़ा है। हमारा द्विपक्षीय ओशन डायलॉग इस क्षेत्र से जुड़े सभी सेक्टर्स में हमारे सहयोग को दिशा देगा। We first started our practical cooperation through fishery projects between Norway and India, and we are intensifying the work in the future on ocean on the ocean economy. Oceans are important for jobs, for clean seas, for resources. It's one of the least explored parts of the world, that which is below the ocean. It can create more jobs, more medicine. New experiences for us all. भारत और नॉर्वे मिलकर नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव के तहत मातृ और शिशु सहयोग के क्षेत्र में सहयोग भी कर रहे हैं। शिखर वार्ता से पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। क्योंकि भारत की बड़ी जनसंख्या समुद्री अर्थव्यवस्था पर निर्भर है और इस मायने में भारत और नॉर्वे के संबंध काफी महत्वपूर्ण है और राजनीतिक तौर पर भी नॉर्वे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉर्वे के संबंध दुनिया के तकरीबन कई शांतिकामी समूहों के साथ काफ़ी अच्छे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सरोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित होने वाला रायसीना डायलॉग आज दिल्ली में शुरू हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग के उद्घाटन भाषण से हुई। उन्होंने सतत विकास के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी हस्तांतरण, रोजगार और विकास इसके केंद्र में होना चाहिए। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने सतत विकास के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने में भारत की भागीदारी को अहम बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी देशों के साथ आने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि देशों को
नीतियां बनाते समय व्यक्तिगत हितों को दरकिनार रखना होगा. One of the goals of my government's ocean strategy is to promote sustainable value creation and employment in ocean-based industries. Our ambition is to facilitate the transfer of expertise and technology across industrial sectors. For instance, Norwegian technology developed for the offshore gas and oil sector is now being used in aquaculture and renewable energy installations like offshore wind. If we are to build a sustainable ocean economy, we must stop the degradation of the world's marine ecosystems. अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. इसके लिए 5 जजों की बेंच गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई करेंगे. संविधान पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस बोबडे और जस्टिस सेनवी रमन्ना होंगे. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी को सुनवाई होनी है. इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय बेंच गठित करने की बात कही थी. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में करीब 8 साल से लंबित है और लोग अब इस मामले में जल्द फैसले की उम्मीद लगाए बैठे हैं. सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा आकाशवाणी ने अपनी समाचार बुलेटिनों को निजी FM चैनलों के साथ साझा करने की योजना बनाई है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आज इस योजना के शुभारंभ समारोह में शिरकत की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समाचारों के प्रसारण के लिए भी स्थानीय चैनलों के साथ इसी तरह के सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है. आने वाले दिनों में लोगों को आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन देश के निजी FM चैनलों पर भी सुनने को मिलेंगे. केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मंगलवार को इस योजना का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को निजी FM चैनलों के साथ साझा किया जाना लोगों को सूचना माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में शानदार पहल है. Basic reason of setting up multiple radio stations, multiple media houses is to give more opportunities and more avenues for the Indian citizen to access various information, entertainment and education. Hindustan ke jitne bhi radio station hai sab ekjut hokar apne nagrikon ko hum information aur education wahan tak pahunchaye. नई व्यवस्था के तहत निजी FM चैनल इस साल 31 मई से इन न्यूज बुलेटिनों का परीक्षण के तौर पर प्रसारण करने लगेंगे. निजी प्रसारकों को हिंदी और अंग्रेजी बुलेटिनों को ज्यों का त्यों प्रसारण करने की ही अनुमति होगी. साथ ही समाचार बुलेटिन के लिए AIR को क्रेडिट भी देना होगा. हालांकि इस सेवा का लाभ लेने के लिए निजी FM प्रसारकों को खुद को ऑल इंडिया रेडियो के साथ पंजीकृत कराना होगा. कृति मिश्रा, राज्यसभा TV. और इस मौके पर प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पटी भी मौजूद रहे. आकाशवाणी के इस नए प्रयोग पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता कृति मिश्रा ने. मेरे साथ है प्रसार भारती के CEO मिस्टर शशि शेखर वेम्पटी. वेलकम राज्यसभा TV सर. आज ये ऑफिशियल लॉन्च हुआ है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को प्राइवेट चैनल्स के साथ शेयर करने के लिए. कितना इम्पोर्टेंट स्टेप है ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेशन के लिए? देखिए, आज भारत देश में जो रेडियो पे समाचार होता है वो सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो के मीडियम वेव, शॉर्टवेव और FM चैनल्स पे होता है. और जब से इस देश में निजी FM चैनल शुरू हुए हैं एक तरह का डिमांड रहा है कि समाचार उन पर भी कैरी किया जाए. तो एक पॉलिसी बनी थी कुछ साल पहले, आज उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है. क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती और जो प्राइवेट FM ऑपरेटर्स की एसोसिएशन है ARoI, हम दोनों ने मिलकर ये एक मॉडल पायलट बनाया है जिसके तहत निजी FM चैनल ऑल इंडिया रेडियो के समाचार बुलेटिन को ले सके और पूरे देश में उनको चला सके. काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड रही है, काफ़ी मेहनत हुई मिनिस्ट्री के लेवल पर, प्रसार भारती के लेवल पर, फाइनली आज ये दिख रहा है. कहा जा सकता है कि काफ़ी लंबा सफ़र रहा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. जी, जैसे आप देखेंगे ऑल इंडिया रेडियो की जो इतिहास है वो तो आज़ादी के पहले से की है और दशकों से ऑल इंडिया रेडियो एक तरह का माध्यम रहा है ऑथेंटिक क्रेडिबल न्यूज़ के लिए. तो इसको हम एक और स्टेप अभी ले जा रहे हैं प्राइवेट FM चैनल्स पर
तो इस तरह से ये एक लंबी जर्नी का कल्मिनेशन है। लगातार ये कहा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल है, फेक न्यूज़ का हम मेनेस देख रहे हैं। किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो रूल्स और जो प्रोसीजर्स हैं उनको कंप्लाई करें? तो हमने एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लिया है इस पर कि चैनल्स अपना जो बुलेटिन लेंगे तो उसका एक रिपोर्ट हमें दें पीरियोडिकली, और हम भी रैंडमली हमारे जो है उसे मॉनिटर करेंगे, और जो भी डिफ़िकल्टीज अराइज होंगी तो हम मिलकर उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। दिल्ली से कैमरा पर्सन नीलेश के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और बीजू जनता दल ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,930 रुपए तय करने की मांग की है। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किसान रैली को संबोधित करते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से स्वामीनाथन रिपोर्ट के फॉर्मूले को भी लागू करने की मांग की। नवीन पटनायक ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फसलों के दाम स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर तय करने की बात कही थी और अब केंद्र सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। धान की कीमतों के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को राज्य सरकार की ओर से एक ज्ञापन भी सौंपा। और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक पर्व कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता और सेहत को खास तवज्जो दी जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हाईटेक अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। इसके अलावा बीमारियों को रोकने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट। मोक्ष की आस लिए कुंभ पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यहां तैयार किया गया केंद्रीय अस्पताल काफी मददगार साबित हो रहा है। यहां एक महिला ने पुत्र को जन्म दिया है। जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए परिवार ने बेटे का नाम भी प्रयागराज ही रखा है। यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा है कि यहाँ पे आए हैं सफाई करने के लिए। यहाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ हमारा लड़का पैदा हुआ है प्रयागराज में। हम लड़का का नाम प्रयागराज है। यहाँ बहुत खुशी मनाए है। अस्पताल में इलाज, दवा और खाने की मुफ्त व्यवस्था है। साथ ही आईसीयू समेत विशेषज्ञ चिकित्सक भी तैनात किए गए हैं। हमने यहाँ पर एक 100 बेड का चिकित्सालय तैयार किया है, जिसमें ये ओपीडी ब्लॉक के अलावा 100 बेड का एक इंडोर रहेगा, उसके अलावा एक 4 बेड का आईसीयू बनाए हैं, और बाकी हर विभाग के स्पेशलिस्ट हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। फिजिशियन, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटल, गायनेकोलॉजिस्ट और चर्म रोग से संबंधित, अस्थि रोग संबंधित हर विभाग को कोशिश की गई है पूरे कवर करने की। कुंभ में सैकड़ों अधिकारी और स्वयंसेवक ऐसे भी हैं जो मेले में साफ सफाई के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। मक्खियों मच्छरों पे कार्रवाई के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जा रहा, नुआन का छिड़काव किया जा रहा, लार्वा निरोधक दवा का छिड़काव किया जा रहा। आवश्यकता अनुसार हम फॉगिंग भी करा रहे हैं, जैसा कि हमें निर्देश मिल रहा है, और हम उसके बाद टेंटों के अंदर जैसे रात को पायरोथर्म का छिड़काव करा रहे हैं। कुंभ मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से स्थानीय स्तर पर साफ सफाई बनाए रखना यहां तैनात अधिकारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन प्रशासन ने इस स्थिति से निपटने के लिए खासे इंतजाम किए हैं। कैमरामैन डीके पांडे के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इन समाचारों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।